रुद्रपुर के आवास विकास में सिडकुल की फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण की जानकारी मिल पाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के रहने वाले हेमंत कुमार शर्मा आवास विकास में किराए के मकान में रहते थे। सिडकुल की ल्यूमेन फिल्टर फैक्ट्री में काम करते थे। हेमंत कुमार शर्मा का शव उनके आवास विकास स्थित कमरे में मिला। वहीं मौत के सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रुद्रपुर से संवाददाता मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आज सुबह हमारी जो आवास विकास चौकी है उसमें सूचना मिली, एक व्यक्ति जो पीजी हॉस्टल में काम करता है वहाँ का कर्मचारी, उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिनका नाम हेमंत कुमार है, वो सिडकुल में लुमेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो पिछले 7 साल से यहाँ पर रहते थे। तो उनके द्वारा सुबह दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो जब इन्होंने खोला खटखटा के तो उन्होंने पाया कि वो बेहोश पड़े हुए थे अपने कमरे में। तो उसके बाद उनके बाद आवास विकास चौकी को बताया गया, जब हमारी फोर्स वहाँ पहुँची, उनके परिजन पहुँचे, फिर उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ पर उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित किया गया। तो इसके बाद पंचायतनामा की पूरी कार्रवाई हुई है उनके परिवार के साथ, और इसके बाद इनका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा जिससे जो इनका कॉज ऑफ डेथ है उसका रीज़न क्लियर हो जाएगा।